वैशाख माह महात्म अध्याय 6। जय श्री राधा कृष्णा। वैशाख मास की बड़ी भारी महिमा है। चारों युगों में अलग अलग प्रभाव हुए हैं। किसी युग में दान का अधिक प्रभाव था, किसी युग में तप का, तो किसी युग में सत्य का प्रभाव था। लेकिन वैशाख मास के स्नान का प्रभाव चारों युगों में है, इसलिए वैशाख मास के इस पावन महीने में शुभ कर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का छठा अध्याय सुनेंगे। जय गणेश जय गजपदन कृपा सिंधु भगवान, मूसक बाहन दीजिए ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है निशा बाद का भोर। बोलो श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। वैशाख मास के इस पावन महीने में हमने सुना कि वैशाख मास की इस पवित्र पावन कथा में श्री ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी राजा अम्बरीश को सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि हे राजन, इस पावन महीने में हम तुम्हें और आगे के इतिहासों को बताते हैं, जिसे सुनने से तुम्हारा हृदय और अधिक पवित्र हो जाएगा। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम वाला एक राजा इक्ष्वाकु में हुआ था। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसके इस पुण्य से पूरी पृथ्वी सुखों से भर गई। उसने गौ भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेकों ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने ना किया हो, परंतु उसने कभी वैशाख मास में जलदान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल है, जल तो सहज में ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले लंगड़े अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेदपाठी तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि इस प्रकार के विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब करते हैं, अनाथ अनपढ़ लूले लंगड़े और दरिद्रियों की दुर्गति है और यही दया के पात्र है। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा शुद्ध कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय शुद्ध देव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपक आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देवयोग से उस जल की एक बूंद पड़ते ही उस छिपकली योनि में राजा को
अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और हाय हाय करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सर्वतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ। मैंने वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। मैंने अनेकों गौदान और यज्ञ किए तथा बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दान दिए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म में गिद्ध हुआ था। 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था, सो उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मर हो आया और मेरे अनेकों पाप नाश हो गए। मुझको 27 वर्ष तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि की कारण को जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो, तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान लिया और यह समझ लिया कि यह तो एक सुलभ वस्तु है। तुमने सोचा यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और तुमने धूप में मार्ग में प्यासे ब्राह्मणों को जल दान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते, जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा का दर्शन मात्र से ही पवित्र मनुष्य हो जाता है। महात्मा लोगों के दर्शन मात्र से समस्त मनुष्य पवित्रता को प्रदान करते हैं। तुमने ना तो जल दान दिया, ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी है दुर्गति हुई। अब मैंने जो वैशाख में पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के संस्कार कर्मों को नष्ट कर देंगे और तेरे कर्मों के समस्त संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कह ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हार जोड़कर परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु वंश में ही महान प्रभावशाली काकुत्थे नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। वैशाख माह मातम अध्याय 6 समाप्त। देखो, ये मानव जीवन मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। अगर हमें यह मानव जीवन मिला है, उस पर भगवान की कृपा भी मिली है, तभी तो हम भगवान की इस पावन कथा को सुन पा रहे हैं। तो इस जीवन का
अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं, तो क्यों ना इस जीवन का हम उपयोग करके अभी शुभ कर्म करके बुरे कर्मों के बंधनों से मुक्ति पा लें। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, हमें सिर्फ नाम जाप से ही भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ मिल सकता है। इसलिए प्रेम से भाव से नाम जाप करिए। राधा बल्लभ श्री हरिवंश, राधा बल्लभ श्री हरिवंश, राधा बल्लभ श्री हरिवंश, राधा बल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, 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 राधा राधा राधा। जय श्री राधा कृष्णा।